इधर कार। हम लोग सोच रहे हैं माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए। जाते जाते भाई हम लोगों ने पानी का पैकेट था 5 लीटर का, भर लेते हैं भाई। कोई टेंशन नहीं, पानी भी हो गया मस्त 5 लीटर। वहाँ पे भाई कार की चेकिंग हो रही है, तो भाई एक एक वाला काम खत्म, पूरा पैकेट। तो गाइस अभी 12 बज चुका है और हम लोग अभी चेकआउट कर दिए भाई रूम। ये रहे रूम की की। पहले भाई लगेज अपना जो है वो गाड़ी में रख देते हैं। इधर है कार। सो अभी बस यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं। ये था हमारा होटल, होटल एवरेस्ट। अब यहाँ से चलने वाले हैं हम लोग एवरेस्ट, मतलब होटल एवरेस्ट से एवरेस्ट, ठीक है। तो मस्त अभी हम लोग खाना वगैरह खा चुके हैं भाई, यहीं पे खाना खा लिया, क्योंकि भाई मतलब और कहीं आप खाना खाओगे तो मतलब नॉन वेज मिल रहा है, तो हम लोग यहीं वाले होटल पे ही यहीं पे खाना भी खाए, दाल चावल रोटी सब्जी। तो मस्त अभी खाना वगैरह खा लिए, तो अब यहाँ से चल रहे हैं हम लोग आगे की तरफ। आगे जो अभी हम लोग जाने वाले हैं भाई, हम लोग सोच रहे हैं माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए, मतलब माउंट एवरेस्ट पे जितना देखते हैं भाई, क्योंकि भाई कभी गए नहीं है, तो मतलब वहाँ तक जाएंगे, मतलब देखते हैं वहाँ पे क्या है, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर जितना भी है, अभी देखते हैं। इस ब्लॉग में आप लोग देखिएगा कि अभी यहाँ से चेकआउट कर चुके हैं, तो अभी चलते हैं। और इससे पहले वाला ब्लॉग आप लोग नहीं देखें तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा, उसमें हम लोगों ने पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए, आप लोग भी करिएगा उसमें जा करके। और उससे पहले वाला ब्लॉग देखेंगे तो उसमें अभी हम लोग रात में जब कवर किए थे, तो रात में हम लोग पशुपतिनाथ पे जो आरती होती है घाट पे, वो उस वाले ब्लॉग में देख लीजिएगा। तो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जा करके ज़रूर देखिएगा। तो अभी चलते हैं यहाँ पर। अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए फोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे। देख रहा है कि ना कैसे फोटो क्लिक कराई जा रही हो भाई। हम लोग बस बैठे हैं, जाते जाते भाई हम लोगों ने सोचा मेरे पास जो पानी का पैकेट था ये 5 लीटर का, जाते जाते सोचे भाई भर लेते हैं, प्यास लगेगी वहाँ पर रास्ते में। अभी मैं चेकआउट वगैरह हो चुका है, कार बाहर निकल चुकी है, अब चलते हैं भाई यहाँ से। पानी एकदम फिल हो गया भाई, कोई टेंशन नहीं, पानी भी हो गया मस्त 5 लीटर। अब चलते हैं भाई हम लोग माउंट एवरेस्ट की तरफ। निकल चुके हैं, हर हर महादेव। ये भाई अभी हम लोग पुल पे आ चुके हैं, और ये वाला था पुल, और ये था भाई सामने आपको दिख रहा है मंदिर, वो है भाई मंदिर। और एक इधर से भी गेट है और एक उधर से भी गेट है, आप चलते हैं भाई। और भाई मंदिर से बस 2 से 3 किलोमीटर के अंदर आपको एयरपोर्ट मिल जाएगा, देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे। अभी फिलहाल भाई जाम में फंसे हैं। मोए मोए। ये भाई आप सामने देखिए, ये एयरपोर्ट। हम लोग चेकआउट वर्कआउट करके मतलब वहाँ से निकल आए थे, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं भाई जहाँ पे मतलब उधर से जब आओ, बाहर आओ मतलब उधर से जब एग्जिट करो, मतलब मंदिर की नेपाल की तरफ से, मंदिर की तरफ से पशुपतिनाथ के, तो यहाँ पे एक चेक पोस्ट पड़ता है वहाँ पे, तो वहाँ पे गाड़ी के भी चेकिंग वगैरह हो रही है। तो अभी हम यहाँ से भाई कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं। यहाँ पर हमेशा हर जगह पे भाई जितने स्टॉल है ना, मतलब जितने भी होटल्स हैं, सब जगह भाई नॉन वेज हुक्का, बस दो ही चीज़। तो भाई एकदम समझ लो कि अभी यहाँ पे हम लोग चिप्स कुरकुरे वगैरह ले लेते हैं। ये है भाई मस्त चीज़ एकदम। ले रहे क्या सब्जी है? इमली, इमली ही है, इमली नहीं है भाई, कुछ और कोई और फ्रूट है, कोई और फ्रूट है। अबे वही तो भाई, इमली नहीं है वो, कुछ और है, कुछ और है। ये क्या है, ये क्या है, इमली है। हम लोगों ने ये वाले, ये वाली नमकीन ले ली, एक पैकेट मटर ले लिया। बहुत कॉस्टली है भाई, 80 रुपए हुए थे, मतलब एक चिप्स का पैकेट लिया था उसका 80 रुपए, 80 रुपए नेपाली, 50 रुपए इंडियन। वहाँ पे भाई कार की चेकिंग हो रही है, इधर हम लोग निकल जाएंगे। यहाँ से भाई लगभग 200 किलोमीटर पहाड़ क्रॉस करना है, इस पहाड़ के पीछे पहाड़, फिर उसके पहाड़ के पीछे पहाड़। अभी 2 पहाड़ हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, एक इस साइड से आता है और एक इस साइड पे था, तो हम लोग इसके पीछे थे भाई, इस वाले पहाड़ के पीछे थे। और भाई अभी यहाँ पे भी इसके पीछे 3 पहाड़ हैं, 5 पहाड़ के बाद में भाई फिर रोड आएगी, नेपाल का बॉर्डर, फिर वहाँ से क्रॉस करेंगे। बाकी भाई हम लोग 3 दिन का बाजार कराए थे, तो हम लोग एग्जिट भी करना था, तो आज हमारा दूसरा दिन है, लेकिन एग्जिट किया जा रहे हैं कि हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। बाकी अभी भाई इसलिए जल्दी निकले क्योंकि भाई 10 बजे के बाद नेपाल का जो बॉर्डर है वो बंद हो जाएगा, 10 बजे बंद होगा, तो भाई मॉर्निंग में कहीं खुलेगा 5 बजे के बाद, 5 बजे पहला गेट खुलता है, सेकेंड गेट खुलेगा 7 बजे,
उससे पहले हम लोग यहाँ से एग्जिट करना है नेपाल बॉर्डर। नेपाली चलते हैं भाई। अभी भाई ये वाली इमली लिए हम लोग। इमली है ना भाई? इमली ना है। इमली नहीं है, इमली नहीं है, पता नहीं क्या, लेकिन लग रहा है टेस्टी होगा। तो वहाँ पे अभी मतलब गाड़ी वगैरह चेक होगी, अब यहाँ से चलते हैं भाई। पानी पिए मजा आएगा। टेस्ट करिए भाई का। ले लिया भाई। है क्या? लस्सी, शुगर, चिली, सॉल्ट, हींग, फूड कलर। लस्सी, शुगर, चिली, हींग। पानी अलाएगा मौसम भाई, जो भी है मतलब वेज सही है। मैं इसको अपने से कर में भाई, किसी को मीटिंग नहीं आएगी उसको खाने के बाद। बहुत टेस्टी है। पानी पियो बे। हल्का फुल्का खट्टा है, बाकी हलवा भी है। एक पैकेट घर के लिए लेंगे भाई। बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा। इमली नहीं लेकिन। बाकी भाई अभी हम लोग सोचे थे ना कि मतलब माउंट एवरेस्ट जाने का प्लान बनाया था, तो भाई उधर नहीं गए क्योंकि तो वहाँ जाने का मतलब था कि मतलब पूरा आपको एक से दो दिन चाहिए चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग कैंसिल कर दिए। पहले मूड बना था कि हम लोग जाएंगे आगे की तरफ, लेकिन नहीं जाएंगे भाई। और सबसे बड़ी बात भाई, वहाँ पर जब हल्की हल्की धूप हो तभी जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो धुंध है ना, मतलब कल मौसम सही था। अगर आपने इससे पहले वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने दिखाया था, दिख रहा था, अभी रास्ते में भी दिखेगा। एक बार पड़ा तो उधर से भाई बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो जब भी हल्की धूप होगी तभी आप तो जा सकते हो, अदरवाइज़ वहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अभी यहाँ पे आपको सारे पहाड़ नहीं दिख रहे भाई, इसके पीछे भी एक पहाड़ हमको दिख रहा है, शायद आपको ना दिख रहा हो, तो इसीलिए हम लोग जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। बाकी अभी आगे तो भाई अभी हम लोगों ने एक दो तीन पैकेट और ले लिए। ये देखिए हम लोगों ने तीन और ले लिए। तो भाई एक एक वाला काम ख़त्म, पूरा पैकेट ही गायब। इंडियन करेंसी का हमको ये पड़ा है 500 रुपए का, लेकिन 50 रुपये कुछ और तो लेना पड़ेगा ना। मस्त खाना वाना खा ही चुके हैं तो यहाँ पे सब लोग एक एक टॉफी या फिर जो कुछ भी मिल रहा है भाई। एक मिठाई मिली ना, वो भी बहुत टेस्टी थी। तो बस अभी चलते हैं, और व्लॉग अगर एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हर महादेव। हाँ पापड़ ज़्यादा है कुछ कहने पर ज़्यादा नहीं ले पाए भाई हम लोग। बहुत खट्टा दूसरा वाला, बहुत खट्टा भाई। बागमती पुल नाम है भाई इस पुल का।